नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चीन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने पर अड़ंगा डाल दिया था। भारत और अमेरिका के इस प्रस्ताव को चीन द्वारा रोके जाने पर अब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इसे तुच्छ भू राजनीति हित करार दिया है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र राजनीति मामले के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने यूएन के आतंकवाद रोधी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास ये मानने के लिए स्पष्ट कारण है कि वैश्विक आतंकवाद विरोध आर्किटेक्चर में कुछ तो गलत है। अगर आपने तुच्छ भू राजनीति हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित बड़े आतंकवादियों को नहीं पकड़ सकते तो इसका मतलब ये है कि हमने आतंकवाद की चुनौतियों से लड़ने के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। चीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे रवैये से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद आतंकवाद ही होता है, किसी भी तरह से हो सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं मथुरा में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास साथ ही 55,000 का अर्थदंड। जज रामकिशोर यादव की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 55,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल DGC पॉक्सो एक्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़ित के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वो दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करता है और दिल्ली में ही रहता है। उसकी पत्नी और बच्चे उसके पिता के साथ गांव में ही रहते हैं। 4 सितंबर 2021 को उसकी बेटी, जिसकी उम्र करीब 5 साल है, घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी योगेंद्र उर्फ गोला बच्ची को चॉकलेट दिखाकर अपने साथ मुन्ना के घर के को ले गया, जहाँ वहाँ कोई नहीं रहता था, जिसकी चाबी गोला के पास ही रहती थी, जहाँ गोला ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़ित ने घटना की जानकारी को बताने को कहा तो उसे मारने की धमकी देकर डराया। घर आकर पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं ललितपुर में 10 दिन से लापता युवक का नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने कपड़े के आधार पर मृतक की पहचान की, साथ ही पिता ने कुछ नामजद लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला मडरवा के बमरौरी का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव में ARTO कार्यालय से सरकारी दस्तावेज गायब हो गए हैं। विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते गायब ये दस्तावेज होने का आरोप है, जिसको लेकर पीड़ित को साल भर से उन्नाव ARTO विभाग दौड़ाने में लगा हुआ है। दरअसल चुनाव में जबरदस्ती लगाई गई गाड़ियों के वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। विधानसभा चुनाव में लगी गाड़ी के वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र ARTO कार्यालय से गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से पीड़ित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अप्लाई नहीं कर पा रहा है। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलते गाड़ी की फिटनेस नहीं हो पा रही है। पीड़ित पिछले 1 साल से लगातार ARTO कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित गाड़ी की RC को लेकर ARTO कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा कर चुका है। पीड़ित को 1 साल से ARTO उन्नाव के लापरवाह अधिकारी चक्कर लगवा रहे हैं। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र न होने के चलते गाड़ी घर में कैद हो गई है, जिससे कहीं आने जाने में पीड़ित को काफी परेशानी हो रही है। RC हमने चुनाव में दौर पर हमारे से फिटनेस कराने में आया था तो यहाँ जमा कर ली गई थी। उसके बाद हमारी भी चुनाव ड्यूटी लगी थी, मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद सर्विस पे हूँ, तो बोले कि ये ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन दे दीजिए। और जो यहाँ से उनको कागज़ काट के दिया था, रसीद काट के दी थी, वो लगा के और प्लस चुनावी कागज़ लगा के जमा कर दीजिए और RC हम आपको निकलवा दे देते हैं। फिर उसके बाद किसी लड़के को दे दिया, वो इधर टहलाता रहा हमको। फिर हम भी जल्दी में थे, चले गए। फिर 2-3-4 बार दौड़ के यहाँ आए और साल भर से लगातार दौड़ रहे हैं। कभी 3 नंबर से वो 5 नंबर, 5 नंबर 3 नंबर, फिर उधर साल भर हो गया है, अब आप डुप्लीकेट निकलवा लीजिए। तो जब हमारी RC यहाँ जमा हुई है तो हम डुप्लीकेट क्यों लेंगे?
और जिस कारण से हमको गाड़ी कहीं जाने में दिक्कत, पूरी बच्चों के घरे कट गई, हम कहीं जा भी नहीं पाए। वहीं श्रावस्ती जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां स्टेडियम में एक साथ 1000 लोगों ने योग किया। कार्यक्रम में डीएम कृतिका शर्मा, जिप अध्यक्ष ददन मिश्र ने भी योग किया। सामूहिक योगाभ्यास में भिनगा नगर सहित आसपास के लोग भी शामिल हुए। मौसम सुहाना होने से भारी संख्या में लोग योग करने पहुंचे। आगरा के एकलव्य स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 5000 लोगों ने एक साथ योग किया। यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, एडीजी राजीव कृष्ण सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा आगरा में अलग अलग स्थान पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जोनल पार्क में भी आयोजन हुआ। यहाँ पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य उपस्थित रहीं। यहाँ पर भी 5000 लोगों ने योग किया। इसके अलावा आगरा किले में भी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लोगों के साथ योग किया। वहीं आईएमए ने शहर में 35 स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया। आगरा यूनिवर्सिटी में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय योग दिवस पर आज मैं आगरा अपने प्रभारी मंत्री के रूप में प्रभारी जिले में आकर के जनता के साथ योगाभ्यास में शामिल हुआ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आकर के शामिल हो पाया। यहाँ हजारों लोगों के बीच में हम लोगों ने योगाभ्यास किया, उसका भी बहुत अच्छा लगा। कई बार व्यक्तिगत जीवन में ये काम हो नहीं पाते हैं जो आवश्यक है। झांसी कानपुर हाईवे पर गायों से भरा एक मिनी ट्रक तड़के सुबह पलट गई। वहीं आरोप है कि करीब 2 घंटे तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मिनी ट्रक में कुल 4 लोग मौजूद थे। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मिनी ट्रक के नीचे आके मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ घायलों को झांसी रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना में चालक बाल बाल बच गया। घटना में ट्रक में लदी करीब 1 दर्जन गाय मौजूद थी, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक गायों ने तड़प तड़प कर इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। सर, यहाँ पर कुछ ट्रक पलटा है और गायों की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? आज यहाँ पे सुबह 5:30 बजे के तकरीबन एक ट्रक जो कि हमारे जो है 11 दुधारू गायों और एक बछड़े से भरा हुआ था, उसके गिरने की खबर की सूचना हम लोगों को मिली। इसमें हम लोग ने अभी जब मौके पर हम लोग यहाँ पर पहुँच के पता चला कि 8 दुधारू गायों की जो है तत्काल मृत्यु हो गई थी, एक बछड़ा सुरक्षित है और 3 गायों का उपचार किया जा रहा है। रायबरेली में लिफ्ट देने के बहाने बुलेरो सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर बुजुर्ग सहित 2 लोगों से लूट की। लूट के बाद बुजुर्ग को रास्ते में उतार कर बदमाश गाड़ी से फरार हो गए। मामला गदागंज क्षेत्र के कजियाना गांव का है, जहां बुजुर्ग जसौली गांव में स्थित अपने रिश्तेदारी से वापस अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर साधन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बुलेरो गाड़ी आकर बुजुर्ग के बगल में रुकी, जिसमें 2 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। बुलेरो सवार लोगों ने उनको घर छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद एक अन्य यात्री भी बुलेरो में बतौर सवारी बैठ गया। बुलेरो वाहन जैसे ही नगर के मुख्य चौराहा स्थित ओवरब्रिज पहुंची, उनमें से एक शख्स ने बुजुर्ग के पीछे से आगे बैठने को कहा और बुजुर्ग जैसे ही आगे बैठी, इतने ही बदमाशों ने तमंचा निकालकर तान दिया और बुजुर्ग से मारपीट कर 35,000 रुपये छीन लिया और उनके साथ बैठे दूसरे यात्री से भी 2,500 रुपये छीन लिए। लूट और बुजुर्ग और दूसरे यात्रियों को उन्होंने सुनसान जगह पर उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग ने मामले की शिकायत कोतवाली में की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। कहाँ के रहने वाले हैं? कजियाना। ये आप एप्लीकेशन लिए हैं, क्या घटना हुई आपके साथ? ये मैं गया था कल दतौली ससुराल, तो वहाँ से आज वापस जा रहा था घर, तो वहाँ से मनव के दादा पकड़ा जो है टेम्पो, तो यहाँ आया बस स्टॉप, तो यहाँ बस स्टॉप पे जो है खड़ा था, एक बुलेरो वाला आया, बोला कहाँ जाओगे? मैं बोला मतीनगंज जाना है, बोला बैठ जाओ, तो मैं था और 2 व्यक्ति और बैठे। वहीं अलीगढ़ में आवारा तत्वों के द्वारा मंदिर में रखी मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मंदिर के समीप रहने वाले लोगों के द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।
नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या मामला हुआ, ये जो मूर्ति खंडित का मामला है, क्या मामला है? नहीं तो मूर्ति पिछली बार भी तोड़ी गई थी, दोबारा भी तोड़ी गई है। कौन लोग हैं? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसने तोड़ी है, अज्ञात है किसने तोड़ी है। तो अब क्या इसमें कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो ये है कि यानी जैसे जानकारी हुई कि यानी मूर्ति तोड़ दी गई है तो मैं मौके पर पहुंचा तो देखा कि मूर्ति टूटी पड़ी है, तो मैंने जिले के जो कप्तान साहब हैं उनके लिए यानी फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ CO साहब और SO क्वासी के मौके पर पहुँचे हैं। उन्नाव में नहर में नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला सोहरामऊ थाना क्षेत्र के सरयाज जोगा गांव का है। वहीं फारुखाबाद में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की जनसभा को संबोधित करने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी विरोधी दल मिलकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार PM बनाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन इस बार पहले से अधिक कमल खिलेगा और मोदी तीसरे बार PM बनेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का झमाझम बारिश में भी भाषण लगातार चलता रहा। लोधी जी कमल खिला करके देश की संसद में पहुंच चुके हैं। अब हमारे कितने सांसद हैं? 66। और आपको और हनुमान जी की तरह जो आपकी ताकत है उसको याद दिलाता हूं। 2017 में सपा की सरकार थी यूपी में और आप सबने इन सपा के खुंडों से लड़कर के 325 विधायक यूपी में जिताए थे। कितने? 2017 में 325 जिताए थे। बधाई देता हूं आपको। वहीं झांसी में दलित किसान ने अपने घर में बने बेड़े में 3 शेड के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि 4 बीघे का दलित किसान जैतराम खेती किसानी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके 4 बेटे हैं। सभी बेटे और खुद जैतराम मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कई वर्ष पूर्व उन्होंने ग्रामीण बैंक में लगभग 1.5 लाख रुपये का KCC ऋण लिया था। साथ ही साहूकारों को भी 1 लाख रुपए का कर्ज उनसे लिया था। कर्ज न चुका पाने के कारण कई दिनों से किसान परेशान चल रहा था, जिससे उसने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी। जिसकी सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर पहुंचे, जहाँ परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए शोक संवेदना प्रकट करते हुए हर संभव मदद की बात कही। वहीं झांसी के मऊरानीपुर में अभी कुछ दिन पूर्व अंबेडकर तिराही पर दिल्ली की बसों से नगर पालिका जिला पंचायत के नाम पर बस और खड़ी करने के साथ प्रति सवारी अतिरिक्त किराया लेने की खबर चलाने पर प्रशासन ने सख्ती से अवैध उगाही वाले के ऊपर सख्ती बरती और अवैध उगाही को बंद करवा दिया, जिसे बौखलाए अवैध उगाही करने के लगभग आधे दर्जन से अधिक लोग शराब के नशे में मीडिया क्लब के कार्यक्रम में रात में घुस आए और पत्रकार के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत पत्रकार ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने दबंगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई के सांडी इलाके में जांच करने गए 2 पुलिसकर्मियों की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कांस्टेबल मुंह पर कपड़ा बांधकर वीडियो बना रहा है, जबकि एक गुंडई दिखाता नजर आ रहा है। इस दौरान घर के लोगों से हेड कांस्टेबल मारपीट कर रहा है। पीड़ित ने वीडियो वायरल करके SP से कार्रवाई की मांग की है। SSP नृपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है, इस मामले में आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी। भंडारी गांव पड़ता है, जहां पर आवेदक विपिन कुमार सिंह हैं, उनके प्रार्थना पत्र पर थाने से 2 सिपाही जांच करने हेतु गए हैं। यह मामला वही का है जिसमें सिपाही दूसरे पक्ष से जो है कहा सुनी एवं अन्य बातें कही जा रही हैं, उस प्रकरण में जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे।
वहीं लखनऊ के कैसरबाग क्षेत्र में रोडवेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे रोडवेज बस के नीचे दो पहिया वाहन बाइक सवार चपेट में आ गया। बाइक सवार ने खुद कूद कर अपनी जान बचाई। कैसरबाग चौराहे पर बीचम बीच गड्ढे के कारण बस अनियंत्रित हो गई थी। वहीं क्षेत्रीय लोगों की माने तो गड्ढा खोदने वाले ठेकेदार का कहना था कि दो दिन में पाट दिया जाएगा। वहीं चार दिन बीतने के बाद भी इसे पाटा नहीं गया। फिलहाल रोडवेज बस द्वारा बुरी तरह से बाइक पर चढ़ाए जाने के बाद बस ड्राइवर थाना कैसरबाग में बैठा है। चंदौसी में संजीवनी वाटिका में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम हुआ, जहां लोग पसीना बहाने उमड़े। राज्य मंत्री गुलाब देवी, एमएलसी गोपाल अंजान, डीएम मनीष बंसल समेत तमाम अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से कार्यक्रम में खलल पड़ा, जहां योग दिवस करीब पौन घंटे विलंब से शुरू हुआ। वहीं लोग करीब 15 मिनट ही योग कर पाए, फिर बारिश आ गई, कार्यक्रम के बीच में समाप्त करना पड़ा। योग करने उमड़ी भीड़ से लोगों में योग के प्रति लगाव देखने को मिला। वहीं योगास्थल से लोगों ने सेल्फी लेकर योग दिवस को यादगार बनाने की कोशिश की। तमाम मदरसों ने जहां योग दिवस का विरोध कर अपने यहां योग दिवस नहीं मनाया, तो वहीं संभल के सपा सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने भी मदरसे में योग दिवस न करा कर तालीम दिवस मनाने की मांग उठाई थी। लेकिन इन सब के बीच संभल के कुछ मदरसों ने योग दिवस पर न सिर्फ योग कराया, बल्कि विरोध करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा है। इंटरनेशनल योग डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। सभी जगहों पर इस दिन को बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। ये योगा यानी जिस्मानी वर्जिश हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। माहिरीन बताते हैं कि जो मुस्तकिल रेगुलर वर्जिश करता है तो उससे उसके जिस्मानी आसाब मजबूत रहते हैं, हड्डियों में पुख्तगी पैदा होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते गुजरात सरकार की ओर से गुजरात राज्य के हर गांव, हर प्रांतों में योग शिविर का आयोजन किया गया। आज गांधीनगर स्थित गुजरात सरकार के मंत्री और अधिकारी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए एक स्मार्ट मैसेज लोगों तक पहुँचाया। भारतीय जनता पार्टी की महाजनसंपर्क अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस तीसरे चरण में सभी पदाधिकारियों को घर घर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे महासंपर्क अभियान के संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई से शुरू हुई इस अभियान के तहत अभी तक प्रेस वार्ता, टिफिन कैबिनेट, मोर्चे के सम्मेलन, रैलियां, अधिकारियों के साथ बैठक कार्यक्रम किए गए हैं। 20 जून से 30 जून के बीच महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों प्रतिनिधियों के द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क स्थापित कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में वार्ता करना, प्रत्येक झंडा स्टीकर वितरण करना, साथ ही मिस कॉल देकर पार्टी के साथ जुड़ने का कार्यक्रम 30 जून तक प्रस्तावित है। इसी के तहत सभी कार्यकर्ता अपने बूथ पर प्रत्येक घर में जाकर महाजनसंपर्क अभियान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में नई आबकारी नीति को मंजूरी के बाद नीति में सरकार ने कई कदम बदलाव किए हैं। बदलाव के साथ ही वार्षिक टारगेट को भी बढ़ावा दिया गया है। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में देहरादून को कुल 590 करोड़ को राजस्व का लक्ष्य दिया गया था और हमने 31 मई तक 227 करोड़ रुपए का लक्ष्य पार कर लिया है। पूरे लक्ष्य का लगभग 37% पूरा हो गया है। राजस्व का प्रयोग प्रदेश के अन्य विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा विश्व योग मना रहा है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा सभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से मां गंगा के तट पर मनाया गया।
जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु, स्कूली बच्चे, हरिद्वार एडीएम साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। योग अपने आप में निरोगी रहने के लिए महत्वपूर्ण, हमारा एक प्राचीन संस्कृति और हमारी सनातन से निकला हुआ एक ज्ञान है, और विशेष इसलिए भी हो जाता है कि जब हम हर की पौड़ी पर योग का आयोजन करते हैं, और आप जानते हैं कि हर की पौड़ी से हम पूरे विश्व को पाप मुक्त होने का एक संदेश देते हैं, और इस माँ गंगा की धारा के साथ जब हर की पौड़ी पर योग की धारा आज बही, तो हमने पूरे विश्व को पाप मुक्त होने के साथ साथ रोग मुक्त होने का भी एक संदेश आज हर की पौड़ी से दिया है। IDPL के आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने खुद को बेघर होने से बचाने के लिए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कॉलोनी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को की केवल एक ही मांग है कि उनको बेघर न किया जाए। कई दशक बीतने के बाद अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस बुढ़ापे में अपने लिए कहीं आशियाना तलाश सके। लोगों का कहना है कि एक और मोदी सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत गरीबों को घर देने की बात कह रही है, वहीं IDPL कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सरकार फिर क्यों उजाड़ रही है। यदि सरकार की IDPL की भूमि पर किसी योजना के तहत कार्य का कोई इरादा है तो कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पहले विस्थापित कर दूसरी जगह पर बसाया जाए। धरने को पार्षद विपिन पंत और समाजसेवी सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपना समर्थन दिया। विपिन पंत और सुरेंद्र सिंह नेगी ने कॉलोनी के लोगों के समर्थन में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मामला तो जग जाहिर है और दिक्कत जो आ रही है के पास जो है सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इन लोगों के पास कोई ऐसा दस्तावेज ठोस कारण नहीं कि जो इन लोगों को यहाँ से हटाए, और कागजों के अभाव में मैं समझता हूँ, क्योंकि इन लोगों का काम है लिपापोती करने का। जब से ये उत्तराखंड बना है या जब से फैक्ट्री बनी है, तब से उसके बाद इनके पास जो है इनकी तरफ ध्यान देने का कोई समय नहीं था। इनके पास मैं समझता हूँ आज कोई कागज दस्तावेज नहीं है जिसके कारण पे जो है इनको ये हटा सके यहाँ से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में मुनिकीरेती थाना पुलिस लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। SSP नवनीत भुल्लर के निर्देश पर क्षेत्र में नशे को का कारोबार करने वाले को तो पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी ही है। अब युवाओं को नशे के दुष्परिणाम की जानकारी देकर उनके नशे से दूर रहने का भी प्रयास पुलिस कर रही है। युवाओं को नशा न करूंगा न करने दूंगा की शपथ भी पुलिस दिला रही है। इसी कड़ी में आज मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत धाड़वाला और शिवपुरी चौक पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जन जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर मैक्स कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक करने के बाद नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि साल 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने की बीड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया है। उनके इस सराहनीय लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास पुलिस कर रही है। हर घर आंगन योग की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और नगर निगम स्मार्ट सिटी सहारनपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिले में मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्यता से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री योग श्री भारत भूषण जी ने हनुमान चालीसा से मार्गदर्शन में योग साधकों को साधना दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 33वीं वाहिनी PSC राजगढ़ में योग शिविर का आयोजन किया गया। भारत ने यूनाइटेड नेशन के समक्ष यह प्रस्ताव 27 दिसंबर 2014 के दिन रखा था। यूनाइटेड नेशन ने योग दिवस की भूमिकाओं और मनुष्य के लिए इसकी उपयोगिता को समझते हुए भारत का यह प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसके बाद 2015 से हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 33वीं वाहिनी PSC में योग दिवस के अवसर पर योगाचार्य के रूप में कार्यक्रम में संस्कृत मंत्रालय के रामचंद्र मिशन और हेल्थ इंस्टीट्यूट झांसी से अनिल कुमार शर्मा, उमा शंकर शर्मा, डॉक्टर GS त्रिपाठी साथ ही संतोष कुमार द्विवेदी उपस्थित रहे, जहां PSC में उपस्थित अधिकारी और जवानों को विभिन्न योगा का अभ्यास कराया गया और जीवन में योग के महत्व को समझाया गया। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर योग कराने के लिए हमारे एक्सपर्ट आए थे, उन्हीं की देखरेख में योगा कराया गया और उसके हानि लाभ के बारे में बताया गया। किस संस्था ने आपको
ये हार्टफुलनेस एक जो है प्रतिष्ठित संस्था है, उनके एक्सपर्ट जो है 5 लोग आए थे, सभी लोगों ने इसके विस्तृत जानकारी दी और अभ्यास भी कराया। वहीं बाराबंकी में जीआईसी ऑडिटोरियम में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद, भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत और जिलाधिकारी अविनेश कुमार सहित जिला के आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में योग करवाया गया। साथ ही योग कार्यक्रम में प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने योग कराने के बाद लोगों को योगा का महत्व बताया। योग करने के बाद मंत्री जितिन प्रसाद के चेहरे पर पसीना निकलने पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पसीना तो वैसे भी निकलता है। सांसद जी से पूछे, जब चुनाव में बाहर जाया जाता है तो न मौसम देखा जाता है, न सर्दी न गर्मी न बारिश, हमारा तो यही लक्ष्य है। वहीं बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टोपी कुर्ता पैजामा ड्रेस में मदरसे के बच्चे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दारुल उलूम मसूदिया मिस बाहिया खसियारी मस्जिद सालरगंज बहराइच में योगा टीचरों ने अभ्यास कराया। साथ ही बताया कि शरीर को चुस्त दुरुस्त और खूबसूरत बनाए रखने के लिए वर्जिश जरूरी है। पूरे जनपद में लगभग 1000 मदरसे हैं, अनुदानित गैर अनुदानित मिलाकर के, और उन सभी मदरसों में कई हजार की तादाद में बच्चों ने योग कार्यक्रम में भागीदारी की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जनपद की जिलाधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, और इन लोगों ने सतत मॉनिटरिंग की है। जब से 15 जून से ही योग सप्ताह मनाया जा रहा है और इन लोगों का पूरा निर्देशन पर्यवेक्षण रहा है कि हमारे मदरसों में, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में, बेसिक शिक्षा स्कूलों में, मतलब मदरसों में भी पूरी तरह से सभी मदरसे इस योग कार्यक्रम से आच्छादित हों, क्योंकि इसका नारा इस बार रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, हर घर योग, हर आंगन योग। वहीं महोबा में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सवारियों से भरी एक रोडवेज बस साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते बस में सवार लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए। तो वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल अज्ञात साइकिल सवार की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।